मैंने बताया कि मोस्ट पॉपुलर स्पिनिंग टेक्नोलॉजीज ये चार है, विंग स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग, एयर जेट स्पिनिंग एंड फ्रिक्शन स्पिनिंग। ठीक है, ये चार टेक्नोलॉजी यूज करने की क्या जरूरत है, अलग अलग मशीनों का अलग अलग प्रोसेस से जो हमें धागा बनाने की क्या जरूरत है, इसका कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है ये चारों टेक्नोलॉजी में। जैसा कि मान लीजिए रिंग स्पिनिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर एक काउंट से लेके 100 काउंट तक कोई भी काउंट के धागा आप अगर बनाना चाहें तो इसमें बन सकता है। ठीक है, लेकिन रोटर स्पिनिंग के अंदर एक काउंट से लेके 30 काउंट तक जो है धागा इसमें बन सकता है। अगर मान लो कि हमें 60 काउंट का धागा तैयार करना है तो इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, और इसका जो कन्वर्शन कॉस्ट है वो कम होगा कंपैरेटिवली रिंग स्पिनिंग का। रिंग स्पिनिंग की जो है कन्वर्शन कॉस्ट, जो स्पिनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है रोटर स्पिनिंग से। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि 30 काउंट से ज़्यादा का काउंट का जो है धागा नहीं बना सकते। ऐसा ही एयर जेट स्पिनिंग है, एयर जेट स्पिनिंग के अंदर 20 काउंट से लेकर के 70 काउंट तक का जो है धागा उसके अंदर बन सकता है। मान लो मुझे 10 काउंट बनाना है तो 10 काउंट जो है वो एयर जेट स्पिनिंग में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस कॉस्ट कम है, लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि 10 काउंट नहीं बन सकता। मान लो 80 काउंट या 100 काउंट का धागा बनाना है तो उसमें नहीं बन सकता। ठीक है, तो रिंग स्पिनिंग एक वाइडली यूज्ड मशीन है, उसके अंदर चाहे एक काउंट बना लो चाहे 100 काउंट बना लो कोई भी काउंट का धागा बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी लिमिटेशन है। जैसा कि उसके अंदर जो है 25 mm से लेके 55 mm तक की फाइबर जो है हम उसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, धागा बना सकते हैं। मान लो मेरे पास 18 mm का फाइबर है या 20 mm का फाइबर है तो उससे मुझे धागा बनाना है तो फिर इसमें दिक्कत आएगी, इसमें धागा नहीं बनेगा। सारे फाइबर जो है 18 mm का अगर है तो उससे धागा अगर बनाना है तो मुझे रोटर स्पिनिंग में जाना पड़ेगा, ना मैं रिंग स्पिनिंग में जो है सारे फाइबर अगर 18 mm का है तो नहीं बना पाऊंगा। कुछ 18, कुछ 30 mm, कुछ 25 mm ऐसा फाइबर हो तो उस केस में जो है रिंग स्पिनिंग में हम धागा बना सकते हैं, लेकिन रोटर स्पिनिंग के अंदर 18 mm है वो या 20 mm हो तो उसके अंदर जो है उससे उस स्पिनिंग टेक्नोलॉजी से जो है हम धागा बना सकते हैं, लेकिन इसमें बनेगा अप टू 30 काउंट तक की धागा बनेगा। ठीक है, इसके अंदर जो लिमिटेशन है इसके अंदर क्या है, इसमें 20 काउंट से लेकर के 70 काउंट तक का जो है धागा बनेगा, लेकिन फाइबर की जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए, मतलब 50 एंड अबो की जो है 50-55 mm का जो है फाइबर लेंथ इसमें रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर इस रिंग स्पिनिंग के अंदर क्या है, मान लो मुझे स्लब यार्न बनाना है, ठीक है, तो स्लब यार्न ये किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं बनेगा। मान लो मुझे लाइक्रा कोर यार्न बनाना है तो ये सिर्फ मैं रिंग स्पिनिंग में ही बना सकता हूँ, मैं रोटर या एयर जेट स्पिनिंग में नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, इस तरह की अलग अलग लिमिटेशन है, अलग अलग एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रिक्शन स्पिनिंग। तो फ्रिक्शन स्पिनिंग क्या है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल में यूज करते हैं इस पर्टिकुलर यार्न को, कि जैसा कि आप अक्सर देखते हैं फर्नेस के सामने काम करने वाले हैं या फायर फाइटर्स हैं तो उनको क्या है, फायर रिटार्डेंट और हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्नेस के सामने बहुत हीट होता है तो हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक चाहिए। तो हीट रेसिस्टेंस किसके अंदर है, ग्लास के अंदर जो है हीट रेसिस्टेंस है। तो हम ग्लास की जो यार्न है उस यार्न से हम फैब्रिक बना के डायरेक्ट हम पहन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फ्रिक्शन स्पिनिंग के अंदर ग्लास फिलामेंट इसके अंदर डाल देंगे, उसके ऊपर जो है कॉटन शीट जो है इसके ऊपर रैप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो कॉटन का आएगा, लेकिन बीच में ग्लास होने की वजह से उसका जो है वो फैब्रिक हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक बनेगा। इस यार्न से जो धागा फैब्रिक बनाएंगे तो वो हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक बनेगा। जब ऐसा ही मान लो कट रेसिस्टेंट फैब्रिक रिक्वायरमेंट है या कट प्रूफ फैब्रिक बनाना है तो हम क्या करेंगे, बीच में एक मेटालिक वायर डालेंगे, उसके ऊपर जो है पॉलिस्टर या कॉटन को जो है उसके ऊपर रैप करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारी कंफर्ट लेवल है, फील है, वो पॉलिस्टर या कॉटन की आएगी, लेकिन अंदर वायर होने की वजह से जो उसको कपड़ा जो बनाएंगे वो कटेगा नहीं, इतना आसानी से जो है चाकू से नहीं कटता है। तो इस तरह की कुछ स्पेशलिटी जो यार्न है टेक्निकल टेक्सटाइल में यूज होने वाली, ये ड्रेफ्ट 3 और ड्रेफ्ट 2 और ड्रेफ्ट 3 ये मशीनों में
ये धागा बनाते हैं। इसकी जो कंपैरिजन किसी और स्पिनिंग से हम नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ड्रफ्ट 3 स्पिनिंग मशीन के अंदर, जो फ्रिक्शन स्पिनिंग मशीन हम बोल रहे हैं, उसके अंदर ये धागा बना हुआ है, यार्न बना हुआ है। इसके ऊपर जो है ये अंदर मेटेलिक वायर है, इसको देखिए, ये मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर के ऊपर जो है हमने क्या किया, पॉलिस्टर फाइबर को जो है हमने रैप किया हुआ है। ठीक है, और अंदर देखेंगे, अंदर वायर है, मेटेलिक वायर है। चाहे हम स्टील का डाल लो या कॉपर का डालो, जैसा रिक्वायरमेंट है, हमारी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस वायर के ऊपर फाइबर को जो है रैप करते हैं उसको। ठीक है, रैप करके ये यार्न तैयार किया हुआ है। और ये यार्न किस में हम यूज़ करेंगे, कट रेसिस्टेंट फैब्रिक, चाहे ग्लव्स बनाना हो, चाहे बस की सीट कवर्स बनाना हो। ठीक है, तो इसमें जो है ये इस तरह की यार्न हम टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये स्टील वायर अगर यूज़ करना चाहें तो ये स्टील वायर जो है कोर के अंदर यूज़ कर लीजिए। फ्रिक्शन स्पिनिंग में मेनली जो कोर यार्न बनता है, मतलब अंदर एक धागा है, उसके ऊपर शीत जो है रैप होता है उसके ऊपर, चाहे कॉटन रैप कर लीजिए या कोई भी पॉलिस्टर, जैसा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टील वायर है। ऐसा ही ये ग्लास, अगर मान लीजिए हमें हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक बनाना है, तो हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ये बीच में जो है एक ग्लास यार्न डालेंगे और इसके ऊपर जो है कॉटन को शीत के रूप में इसके ऊपर रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रफ्ट स्पिनिंग मशीन, ड्रफ्ट 2 या ड्रफ्ट 3 मशीन पे हम उसको ये कोर यार्न बनाते हैं उसको। ये टेक्निकल टेक्सटाइल में ही मेनली यूज होते हैं ये। अब हम बात करेंगे रिंग स्पिनिंग के अंदर कोम्ब्ड यार्न और कार्डेड यार्न। कार्डेड यार्न और कोम्ब्ड यार्न में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? जैसा कि कोम्ब्ड यार्न है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कार्डेड यार्न से। कोम्ब्ड यार्न का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली कार्डेड यार्न से। उसके बाद हेयरनेस जो है, कार्डेड यार्न में हेयरनेस ज्यादा है और कोम्ब्ड यार्न में हेयरनेस कम है। यूनिफॉर्मिटी कोम्ब्ड यार्न में ज्यादा है, कार्डेड यार्न में कम है। कोम्ब्ड यार्न के अंदर और भी एडवांटेज है। कोम्ब्ड यार्न के अंदर हम टीपीए कम रखते हैं कंपैरेटिवली कार्डेड यार्न में, जिस वजह से कार्डेड यार्न से जो फैब्रिक बना है उसकी श्रिंकेज ज्यादा होगा कंपैरेटिवली कोम्ब्ड यार्न से जो बना हुआ फैब्रिक है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है, जैसा कार्डेड यार्न और कोम्ब्ड यार्न दोनों सेम काउंट की सेम धागा हमने लिया, उसके बाद हमने उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया, सेम स्ट्रक्चर है पूरा, ईपीए पीपीए सब कुछ सेम है। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रोसेसिंग में ले जाएंगे और ट्रीटमेंट होगा, जैसा स्कोरिंग, ब्लीचिंग और डाइंग, जो कुछ भी वहाँ पे प्रोसेस है उसके अंदर केमिकल प्रोसेसिंग होते हैं। तो उसके बाद हम चेक करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर की सेम जीएसएम का जो फैब्रिक है वो कार्डेड यार्न की जीएसएम जो है कम हो जाएगा कंपेरेटिवली कोम्ब्ड यार्न का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो हेरीनेस है और जो ट्रैश कंटेंट है, माइक्रो डस्ट डस्ट है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो कार्डेड यार्न में 100% नहीं निकला हुआ है। लेकिन कोम्ब्ड यार्न के अंदर हमने नॉइल के रूप में सारे शॉर्ट फाइबर और माइक्रो डस्ट और इम्प्यूरिटीज जितने भी है, ट्रैश कंटेंट, सब हमने कोम्ब्ड यार्न के अंदर हम निकाल देते हैं, जिस वजह से हमें और निकलने के लिए वहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं बचता है, जिस वजह से प्रोसेसिंग के अंदर जो है कार्डेड यार्न के अंदर जीएसएम जो है उसकी फैब्रिक की जो वेट है वो इसमें कम हो जाती है, इसमें कम नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा कोम्ब्ड यार्न जो है वो शाइनी होता है, लश्चरस होता है कंपेरेटिवली कार्डेड यार्न से। ठीक है, और कोम्ब्ड यार्न जो है वो महंगा है कंपेरेटिवली कार्डेड। मान लो कार्डेड यार्न जो है हम हमें अगर 170 रुपये में मिल रहे हैं, कोम्ब्ड यार्न जो है कम से कम 250 रुपये किलो होगा, 250 रुपये किलो होगा। क्यों? क्योंकि कोम्ब्ड यार्न का जो रियलाइजेशन है वो 70% है। इसका मतलब है कि हम 30% जो है हमारी वेस्ट में चला गया मटेरियल। ठीक, लेकिन कार्डेड यार्न के अंदर जो है वो इसकी जो रियलाइजेशन है वो 85-88% है। तो इसका मतलब है हमारी जो वेस्टेज है वो
सिर्फ 15% ही हमारा वेस्ट में गया है, लेकिन कोमोडियान का जो वेस्ट है वो अप टू 30% तक चला गया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई, ठीक है। तो इसलिए कोमोडियान महंगा होगा कंपेरेटिवली कार्डेडियान से, ठीक। और कोमोडियान में जो है हम टीपीए कम रखते हैं कंपेरेटिवली कार्डेड, क्योंकि कोमोडियान जो है वो मेनली जो है हम निटेड गारमेंट्स में या फाइन शर्टिंग शूटिंग या इस तरह की जो फैब्रिक बनाते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं, क्योंकि वो स्किन फ्रेंडली होता है और बहुत सॉफ्ट जो है फैब्रिक होता है उसकी कोमोडियान से जो बना हुआ फैब्रिक है। लेकिन कार्डेडियान क्या है वो इतना स्किन फ्रेंडली नहीं होता, थोड़ा सा रफनेस होता है उसके अंदर फैब्रिक के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो शॉर्ट फाइबर है और हेयरनेस है वो तो रिमूव हुआ नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो है दोनों की रेट में भी फर्क है और क्वालिटी में भी फर्क है। जैसा कि मैंने अभी आपको जो है कोम्बड़ यार्न और कार्डेड यार्न का डिफरेंस बताया, आप इसको देखिए, ये कोम्बड़ है और ये कार्डेड यार्न है। आप इस कार्डेड यार्न के पास आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसके अंदर अभी भी ट्रैश पार्टिकल्स है, देख रहे हैं ये, और इस पे देखिए कहीं भी कोई ट्रैश कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसको कोम्ब किया हुआ है। ये कोम्बड़ यार्न है और ये कार्डेड यार्न है। इस यार्न कोम्बड़ यार्न का जो रियलाइजेशन है वो 70% है और कार्डेड यार्न का जो रियलाइजेशन है वो 85-88% है। क्यों? क्योंकि हमने नॉयल के रूप में जो है कोम्बड़ यार्न में हमने निकाल दिया उसको, वेस्ट को, शॉर्ट फाइबर को और ट्रैश कंटेंट को, इम्प्यूरिटीज को हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। इस वजह से दोनों के अगर आप थोड़ा दूर से देखिए दोनों में शाइनिंग में भी डिफरेंस है, जो मैंने बताया था ना कि कोम्बड़ियान इज मोर लक्चरियस देन कार्डेडियान, ठीक है, दोनों में शाइनिंग में भी अंतर है और फील में भी अंतर है। धागा, इस धागा से जो हम कपड़ा बनाएंगे और उसकी जो फील है वो स्मूथनेस जो है वो कोम्बड़ियान का ज़्यादा होगा, कंफर्ट फील ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली कार्डेडियान की, ठीक है। दोनों के अंदर ये कई सारे डिफरेंस है इसमें।